एनएस-7 पर पहाड़ी को बेतरतीब तरीके से तोड़ने का सिलसिला जारी है। सरकार जैसी मर्जी व्यवस्थाएं बना ले, जितने सख्त नियम बना ले, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर कार्य कर रही कंपनियों के लिए सरकार के नियम और कायदे बोने नजर आ रहे हैं। देखिए, ताजा मामला राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर सामने आया है, जहाँ पर ब्लास्टिंग करके पहाड़ों की सीनी को सरेआम छल्ली किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर काली ढाक बड़वास के समीप आरजीबी कंपनी दिन दहाड़े धरती की सीनी को छल्ली करती हुई नजर आई और शासन प्रशासन सहित राजमार्ग प्राधिकरण यहां मूक दर्शक बनकर बैठे नजर आए, जिससे क्षेत्र में समस्याएं और अधिक बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 को बनाने के बहाने धरती की सीनी को कंपनियां बेदर्दी से छल्ली करती हुई नजर आई। यहाँ पहाड़ों को ब्लास्टिंग के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। भारी ब्लास्टिंग होने के कारण कई किलोमीटर तक पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है और भविष्य में हल्के भूकंप से बड़ी दुर्घटनाओं को राजमार्ग प्राधिकरण और सरकार नेवाता देती नजर आ रही है। 707 है, इसमें दिन को ब्लास्टिंग हो रही है, दिन को ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए और दिन को लोगों को परेशानी होती है। इसमें एक घंटे का जाम लगता है और दिन को परेशानी होती है जो पब्लिक को, वो नहीं होनी चाहिए। ब्लास्टिंग करते हैं ये रोड पे, लोगों के लिए तकलीफ है कि कोई बीमार है, कोई मतलब ये जल्दी रास्ता नहीं देते, रास्ता देने में उल्लंघन करते हैं। इस संदर्भ में बड़वास के समय जो समीप बता रहे हैं आप, जो ब्लास्टिंग की जो घटना घट रही है, जो काम ये कर रहे हैं, इस बारे में कोई भी हमारे कार्य से तो कोई परमिशन नहीं मिली हुई है। तो इस बारे में ऐसा है कि अगर वो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जैसा आपने मुझे वीडियो भी दिखाया है, तो उसमें जो है हम नियमानुसार उचित कार्रवाई हम करने वाले हैं इनके खिलाफ़।